जनजातीय जिला लाहौल स्पीति स्वर्ग से सुंदर ठंडी फिजाओं शीत रेगिस्तान में हर 5 साल बाद सियासत गर्मा जाता है। आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुदर्शन जसपा ने केलांग में भरा नामांकन और बड़ी तादाद में शक्ति प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुदर्शन जसपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सवाल उठाया है। दोनों पार्टी को अमीरों की पार्टी कहा है जबकि यह आम आदमी पार्टी के लोगों की पार्टी है। केलांग से रंजीत लाहौली की रिपोर्ट। मुआवजा तो हमें नहीं मिला, बदले में 2018 में नवंबर में डेढ़ फीट बर्फ के बीच में बर्फ साफ करके कारगाम में सब्जी मंडी का शिलान्यास किया गया। ना कोई डीपीआर, ना कोई बजट की व्यवस्था, ना कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस, एक फर्जी शिलान्यास किया गया। और उस फर्जी शिलान्यास जब देखिए आज 2022 है, मंत्री जी का टेन्योर खत्म होने को आया है, एक पत्थर उस सब्जी मंडी में नहीं लगा है। दावा किया जा रहा है कि हमने विकास की नदियां बाही हैं। विकास की नदियां बाही हैं तो हमें क्यों नहीं दिख रहा वो विकास की नदियां? करने जा रहे हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पे बदल बदल कर जो राज किया है और उसके बावजूद यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का टोटा है और जो यहाँ पे जो आप देखेंगे सभी व्यवस्थाएं जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के रूप में हम लाहौल स्पीति की जनता को ये कहना चाहते हैं कि आज ये जो संभावनाएं लाहौल स्पीति में बनकर आई हैं, जिसमें टूरिज्म का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है और उसके साथ साथ में जो तमाम जो बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर हो, एजुकेशन को, बिजली पानी को लेकर हो, उसकी हमारी राष्ट्रीय नीति तो है ही है। उसके साथ में जो है हम विशेष तौर पर लाहौल स्पीति के लिए, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र में इन सुविधाओं की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, तो इसको ही बेहतर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी।